उमा शंकर जी के जन्म दिवस पर वैश्य महासम्मेलन ने वितरण किया गरीबों को छाता फल और मिष्ठान। आपको बताते चले कि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमा शंकर गुप्ता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को दोपहर 3 बजे स्थानीय कामेश्वर नाथ मंदिर कोठी कंपाउंड में वैश्य महासम्मेलन नगर महिला और युवा इकाई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया है, जिसमें दारिद्र नारायण द्वारा केक काटने के साथ उन्हें छाता फल और मिष्ठान का वितरण किया गया। हमारे वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री उमा शंकर जी का जन्म दिवस है, इसी तारतम्य में आज हम सब वैश्य महासम्मेलन के जिला इकाई, महिला इकाई और युवा इकाई के सभी सदस्य आज श्री मनकामेश्वर नाथ मंदिर कोठी कंपाउंड में केक काट के और हम सब गरीब भाइयों के साथ मिल के हम लोग केक काटे हैं और श्री अध्यक्ष जी का आज हम लोग जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक छाता वितरण का कार्यक्रम गरीबों में, फल वितरण और केक काटा। हम सब हमारे सभी जिलाध्यक्ष और नगर के अध्यक्ष सभी आपके सामने उपस्थित हैं। अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, संभागीय अध्यक्ष कल्पना गुप्ता, जिला अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, युवा इकाई जिला के अध्यक्ष वंशीलाल साहू, जिला प्रभारी गायत्री गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रतिभा ताम्रकार, नगर अध्यक्ष महिला इकाई सुनीता गुप्ता, युवा इकाई मोहित गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज हमारे वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उमा शंकर गुप्ता जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस इस बार हम लोग नए तरीके से मना रहे हैं। गरीब निसहाय लोगों के साथ केक काटकर, फल बांटकर, और बरसात का मौसम आ गया है तो एक एक छतरी भी हम सभी लोगों को दे रहे हैं, जिससे बरसात में इनकी रक्षा हो पाए ये पानी से भीगे ना।